कि भारतीय रुपया एक डॉलर के मुकाबले 80 से ज्यादा बनने के बाद पीएम मोदी के सपनों का भारत ऊंचाइयों की नई उड़ान पर है। अब पीएम मोदी का लक्ष्य रुपए को डॉलर का बादशाह बनाना। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मौर्य अपडेट्स की एक और नई शानदार वीडियो में। दोस्तों ये बात साल 1917 की है, जब एक रुपए की कीमत 13 डॉलर के बराबर हुआ करता था। फिर 1947 में जब भारत आजाद हुआ, एक रुपए की कीमत 1 डॉलर के बराबर कर दी गई थी। फिर क्या था, धीरे धीरे भारत के ऊपर कर्ज बढ़ने लगा। तभी इंदिरा गांधी ने कर्ज चुकाने के लिए रुपए के मूल्य को कम करने का फैसला किया और तब से आज तक रुपए का कीमत घटता जा रहा है। दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि क्या हमारे भारत में रुपए को डॉलर में भी बदला जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की वीडियो को आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले और आगे मिल जाए। दोस्तों चलिए मान लेते हैं कि एक रुपए की कीमत एक डॉलर आखिर हो भी गया तो क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा देश अमीर हो जाएगा और हमारे देश में गरीबी जैसी कई समस्याओं का समाधान हो जाएगा और हमारे देश में कभी भी कोई इंसान भूखा नहीं सोएगा और सबके पास पैसा नहीं बल्कि डॉलर रहेगा। ये सुनने में कितना अच्छा लग रहा होगा। वाकई में जब ऐसा होगा, एक रुपए की कीमत एक डॉलर हो जाए, जैसे हर सिक्के में दो पहलू होते हैं, वैसे इस सवाल का भी दो पहलू है। चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को अभी से लाइक करना, आप आखिरी में भूल जाते हो। दोस्तों अगर एक रुपया बदलकर एक डॉलर में हो जाए तो इससे हमें बहुत से फायदे भी होंगे और इसका बहुत सा नुकसान भी है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले फायदे के बारे में बात करें तो इंडिया में सारा सामान हमें अभी के मुकाबले हमें सस्ते दामों में मिलेगा, क्योंकि हमारे देश में ज्यादा प्रतिशत सामान हम जो रोज अपने जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो बाहर से आते हैं। अगर एक रुपए की कीमत एक डॉलर हो जाए तो जो सामान हम बाहर देशों से खरीदते हैं उसके लिए भारत सरकार को कम दाम देना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है सरकार सामान कम दाम में खरीदेगी तो सामान हमें कम कॉस्ट में मिलेगी। इससे हमारे देश में महंगाई और भूखमरी कम हो जाएगी। जैसे कि ब्रांडेड चीजें हम सस्ते दामों में खरीद सकते हैं, जैसे कि आईफोन हमारे देश में ज्यादा महंगी बिकती है, वो हम सिर्फ 600 रुपए में खरीद सकेंगे, क्योंकि यूएस में इतना दाम 600 डॉलर का है। अगर एक रुपीज इक्वल टू 1 डॉलर हो गया तो हम सिर्फ 600 रुपए में आईफोन ले सकेंगे। जैसा कि दोस्तों मैंने पहले भी कहा था, भारत में बहुत कुछ चीजें बाहर देशों से खरीदी जाती है, जैसे कि पेट्रोल बाहर देशों से लाई जाती है। अगर एक रुपए इक्वल टू 1 डॉलर हो जाता है तो हमारे बहुत से फायदे होंगे, जैसे कि महंगाई कम हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगी और भुखमरी घट जाएगा। इस तरह से तमाम सारे चीज कम हो जाएंगी। जो पेट्रोल आज 100 रुपए लीटर बिक रहा है वो 1.50 डॉलर में मिलने लगेगा। ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो जाएगा और हम जितना चाहें चीजें हम बाहर देशों से ले सकेंगे। हमारा देश में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अगर ऐसा होता है तब इंपोर्ट प्राइस बहुत सस्ते हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल भी बहुत सस्ते हो जाएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड भी सस्ते हो जाएंगे। ये रहे फायदे की चीजें, अब जान लेते हैं इसमें नुकसान क्या है। जरा रुकिए और सावधान से वीडियो को देखिए आखिरी तक, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जिस तरह हमारे देश में कुछ सामान बाहर देशों से खरीदो जाती है, वैसे ही कुछ सामान हमारे देश से यानी भारत से बाहर देशों में बेची जाती है। अगर एक रुपए इक्वल टू 1 डॉलर हो भी जाता है तो सामान हम बाहर देशों में बेचते हैं वो उनके लिए महंगे साबित होंगे और कोई भी देश हमारे देश में ज्यादा पैसा देकर सामान खरीदने की वजह कम कर देंगे, जैसे कि दूसरे देशों में जहां पर सामान सस्ता रहेगा इसी कारण है वहां से एक्सपोर्टिंग होना शुरू हो जाएगा और भारत से कम एक्सपोर्टिंग होगा। ऐसे कंडीशन में बहुत से लोग सोचते हैं कि हमारे दूसरे देशों से सामान खरीदने का क्या जरूरत है। दोस्तों हम स्वदेशी सामान का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे देश में बनती है। ऐसे में हमारा देश बाहर से सामान नहीं खरीदेगा और न ही दूसरा कोई देश हमारे देश से सामान खरीदेगा। इसी की वजह से हमारे देश में ग्रोथ होना रुक जाएगा। और दूसरी बात, हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट होना बंद हो जाएगा। फॉरेन कंट्रियां हमारे देश में इन्वेस्ट करते हैं, उसका भी एक मुख्य कारण है यहाँ उन्हें लेबर कॉस्ट ज्यादा नहीं देना पड़ता है और कम पैसों में काम करने वाले एम्प्लॉय भी ज्यादा मिल जाते हैं। क्योंकि अगर एक रुपए की कीमत डॉलर में हो जाए तो फॉरेन कंट्रियां इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगी, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा और वह दूसरे देशों में फैसला लेना सही समझेंगे।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादातर हमारे देश में आईआईटी और सर्विस सेक्टर में की जाती है। हमारे देश की 60% जीडीपी का योगदान इसी सेक्टर से होता है और हमारे देश को आबादी 27% लोगों को एम्प्लॉय देती है, जो पूरी तरह से बंद हो जाएगी क्योंकि फॉरेन कंट्रियां हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगी। जैसा कि दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए, भारतीय इंजीनियर को काम करने की सैलरी एक महीने की 75,000 रुपए मिल रही है, उसी के जितना हुनहार इंजीनियर उसके लड़के को फॉरेन कंट्रियां में वही काम की सैलरी $3,000 एक महीने में मिल रही है, तो ₹1 का एक INR के हिसाब से भारतीय इंजीनियर की सैलरी $75,000 हो जाएगी। कोई भी फॉरेन कंट्री उतने पैसे में क्यों देगी, क्योंकि वो अपने काम कराने के लिए $3,000 दे रही है, तो $75,000 क्यों देगी हमारे इंडियंस को। दोस्तों ये है ना सोचने वाली बात। अब चलिए आते हैं तीसरे नंबर पर, जैसे कि घर में काम के लिए मैट रखने की वजह हम मशीन रखा करेंगे। हम काम करने के लिए जितना पैसा एक मैट को देते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे फिर से मान लीजिए ₹4,000 देना पड़ता है एक मैट को, उस वक्त ये रकम $4,000 के समान हो जाएगी। तो उसमें कम दामों में हम एक मशीन खरीद सकते हैं, जबकि $1,000 के अंदर मिल सकती है। इन सभी फायदों से लोगों को जॉब मिलना बंद हो जाएगी और हमारे देश में बेरोजगारी जैसे भुखमरी फिर से बढ़ जाएगी। चलिए अब आते हैं चौथे नंबर पर, जैसे कि दोस्तों इसका गैर फायदे, टूरिज्म में रिडक्शन होना। दोस्तों अगर डॉलर की कीमत ज्यादा हो जाएगी तब टूरिस्ट भी यहां आना बंद कर देंगे, क्योंकि जहां पहले उन्हें इंडिया सस्ता लगता था वही इंडिया उन्हें अब महंगा लगने लगेगा। दोस्तों टैक्सेस में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ जाएगा। इंडियन करेंसी एक रात में तो बदल नहीं सकती, बल्कि इसके लिए हमें प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। एक बात तो हम सभी को माननी होगी, ₹1 = $1 किसी भी डेवलपमेंट या ग्रोइंग कंट्री के लिए अफोर्डेबल नहीं है। आपका क्या विचार है इसके बारे में, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही जानकारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय। दोस्तों जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिखाई दे रहे होंगे, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ वीडियो पे क्लिक करो, वीडियो देखो, बहुत ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो बना है।